नगर में मोटू नाम का व्यक्ति रहता था, जो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। मोटू को हनुमान जी को पाने की बहुत इच्छा थी। हनुमान जी को पाने के लिए मोटू एक दिन अपने गुरु पतलू बाबा के पास जाता है और अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और हनुमान जी के पास पहुंचने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। पतलू बाबा को पता चला कि मोटू के पास बहुत से गुण है, लेकिन मोटू के ऊपर क्रोध बहुत जल्दी हावी हो जाता है, जो उसे सीखने से रोकता है। पतलू गुरु ने यह बात समझ ली और उन्होंने मोटू का क्रोध निकालने के लिए सबसे पहले मोटू की मदद करने का फैसला किया। फिर पतलू गुरु जी ने मोटू से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह तुम्हें माननी पड़ेगी और पूरी करनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। गुरुजी मैं अपने हनुमान जी को पाने के लिए कुछ भी शर्त मानने को तैयार हूँ, आप अपनी शर्त बताइए। फिर गुरुजी मोटू से कहते हैं, तुम जैसे हनुमान जी की भक्ति करते आए हो वैसे ही एक महीने तक करो और फिर मेरे पास आओ। मोटू हनुमान जी को पाने के लिए बहुत इच्छुक था, तो वह गुरुजी की सारी बात मान जाता है। तो मोटू सभी बातों का पालन करते हुए अपनी एक महीने की पूजा में बैठ जाता है और हनुमान जी की भक्ति करते करते एक महीना पूरा हो गया और उसके अगले दिन मोटू अपने गुरु से मिलने के लिए निकला। गुरु के आश्रम जाते समय रास्ते में एक सफाई कर्मी साफ सफाई कर रहा था, तो मोटू जब सफाई कर्मी के पास से गुजरा तो सफाई कर्मी की लापरवाही की वजह से मोटू के ऊपर गंदगी आ गई, तो मोटू को बहुत क्रोध आया और सफाई कर्मी को डांटते हुए बोला, तुझे दिखाई नहीं देता जब कोई पास से गुजर रहा है, तो थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए, आज तेरी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। यह कहकर मोटू घर वापस चला गया और कपड़े बदल कर वापस अपने गुरु से मिलने गया। जब मोटू अपने गुरुजी से मिला तो उसके गुरुजी ने कहा, मोटू तुम अभी शिक्षा के काबिल नहीं हुए हो, तुम अपना जाप चालू रखो, अपनी भक्ति चालू रखो और एक महीने बाद वापस आना। मोटू ने अपने गुरु जी की बातों का पालन किया, फिर से अपनी भक्ति वे जाप चालू किया और फिर एक महीने बाद मोटू अपने गुरु जी से मिलने के लिए अपने घर से निकला, तो फिर से वही हुआ जो मोटू के साथ पिछली बार हुआ था। सफाई कर्मचारी ने मोटू के कपड़े गंदे कर दिए, लेकिन इस बार मोटू ने सफाई कर्मचारी से कुछ नहीं कहा और धन्यवाद देते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर मोटू अपने गुरु जी के पास गया और फिर गुरुजी ने मोटू से कहा, अब तुम सीखने के लायक हो और मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। और इस घटना के बाद मोटू ने अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की।